हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। एंड दोस्तों, इसके पहले मैं योग क्या है, योग का अर्थ क्या है और योग की कौन कौन सी परिभाषाएं दिए हैं विभिन्न विद्वानों ने, इसके बारे में बता चुकी हूँ। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे TGT, PGT, KVS, NVS, ELT, राजस्थान PTI, DSSB, कोई भी एग्जाम हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर MCQ क्वेश्चन के हैं, उसका प्रैक्टिस करना न भूलिएगा। और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज MCQ आए जा रहे हैं। एंड दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। अष्टांग योग के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो अष्टांग योग है, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग के अंतर्गत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए हैं। इन 8 चरणों में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8ों में ऊपर से 5 जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग यानी स्थूल साधन माने जाते हैं, यानी कि यह हमारे वह चीज़ों को कंट्रोल करती है। एंड जो इसके 3 साधन हैं, यानी धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग यानी स्थूल साधन के अंतर्गत आते हैं, यानी यह हमारी आंतरिक मन की, हृदय की समाधि तक ले जाता है। यानी एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि अष्टांग योग के अंतर्गत कौन बहिरंग यानी स्थूल साधन के अंतर्गत आता है और कौन अंतरंग यानी सूक्ष्म साधन के अंतर्गत आता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इन सभी 8ों के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं यम के बारे में। यम क्या है? यम एक सामाजिक अनुशासन है। क्या है? सामाजिक अनुशासन। इसका अर्थ होता है परहेज या बचाव। यम के अंतर्गत 5 चीजें आती हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 चीजें हमारे यम के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सत्य क्या होता है? सत्य यानी कि इंद्रियों द्वारा परिकल्पित किसी बात की प्रस्तुति करना ही सत्य है। एंड अहिंसा, अहिंसा क्या है? यानी मन, वचन व कर्म द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक स्तर पर आहत न करना ही अहिंसा है, यानी सबके प्रति अच्छी भावना रखना ही अहिंसा है। एंड तीसरा है अस्तेय, यानी कि कुछ न चुराना। अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, यानी कि मन, वचन और कर्म से दूसरे की वस्तु को न चाहना और न प्राप्त करना ही अस्तेय है। यम के अंतर्गत चौथा है ब्रह्मचर्य, यानी कि वह कोई भी पदार्थ न ग्रहण करना या जो आपकी कामोवेश भावना को बढ़ाए, यानी अपने ब्रह्मचर्य पर नियंत्रण रखना एंड इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य है। एंड पांचवा है यम के अंतर्गत अपरिग्रह, यानी कि इंद्रियों को प्रसन्न रखने वाले तथा धन को छोड़ना, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करना, यानी जो भी आप धन इकट्ठा कर रहे हैं वो दूसरों की भलाई के लिए लगा दें। तो ये था आपका यम के अंतर्गत 5 चीजें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो याद रखिएगा, ऐसे पूछ सकता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा, यह यम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है नियम। दूसरा है अष्टांग योग के अंतर्गत नियम। नियम व्यक्तिगत अनुशासन होता है, यानी कि अपने आप को शुद्ध रखना, ठीक, यानी कि अपने प्रति किया गया शारीरिक व मानसिक नियम ही यम है, नियम है। नियम के अंतर्गत 5 चीजें आते हैं,
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन किसके अंतर्गत आता है। नियम के अंतर्गत सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच यानी स्वच्छता, यानी मन व शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई आवश्यक है। फिर होता है संतोष, नियम के अंतर्गत दूसरा है संतोष, यानी कि मन की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में खुश और संतुष्ट रहना सीखे रहता है, उसी को संतोष कहते हैं। चाहे अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल, दोनों में समान रहे। नियम के अंतर्गत तीसरा है तप, यानी कि मन, वचन और कर्म से पवित्रता का अभ्यास करते हुए सभी इच्छाओं और इंद्रियों का पर विजय प्राप्त करना ही तप कहलाता है। चौथा आता है नियम के अंतर्गत स्वाध्याय, यानी ज्ञान की प्राप्ति तथा विचारों में पवित्रता लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति करना स्वाध्याय है, यानी ज्ञान की प्राप्ति तथा विचारों में पवित्रता लाने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। एंड पांचवा है नियम के अंतर्गत ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर को समर्पण, यानी कि ईश्वर की भक्ति तथा अपने सभी कर्मों को उसे समर्पित कर देना ही ईश्वर प्राणिधान है। ठीक है, ये हमने जाना यम और नियम के बारे में। तीसरा है अष्टांग योग के अंतर्गत आसन। ठीक है, आसन यानी कि पोस्चर, जो हमारे बॉडी पोस्चर्स होते हैं, जैसे कि शरीर में स्थायित्व तथा मन में एकाग्रता लाने के लिए शरीर को विशेष मुद्रा में रखने को आसन कहते हैं। आसनों का अभ्यास शरीर को मजबूती तथा शरीर और मन को शक्ति देता है। जैसे कि आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन सर्वांगासन होता है, जैसे कि खाना खाने के बाद वज्रासन किया जाता है, जैसे कि सभी आसनों को करने के बाद शवासन किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी आसनों की एक एक करके मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। पहले हम अष्टांग योग के सभी अंगों को जान लेते हैं। तो हमने यम, नियम, आसन के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं चौथा अंग अष्टांग योग के, प्राणायाम। दोस्तों, प्राणायाम का मतलब होता है सांस रोकना। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? श्वास रोकना, यानी सांस लेना, रोकना और बाहर छोड़ना। यानी कि प्राणायाम का मतलब होता है श्वास पर नियंत्रण। ठीक है, श्वास पर नियंत्रण ही प्राणायाम है। जैसे कि दोस्तों, यदि जैसे कि शरीर की सफाई के लिए आप स्नान करते हैं, शरीर की मजबूती के लिए आप योगासन करते हैं, आसन करते हैं, उसी तरह हमारे मन की, मस्तिष्क की सफाई के लिए, स्वच्छ रखने के लिए प्राणायाम की आवश्यकता होती है। प्राणायाम के अंतर्गत पूरक, कुंभक, रेचक तीन प्रकार आते हैं। पूरक में सांस अंदर लेना होता है और कुंभक में सांस रोकना होता है और रेचक में सांस बाहर छोड़ना होता है। प्राणायाम के बारे में डिटेल में मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं इसके बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताऊंगी। एंड दोस्तों, अष्टांग योग के अंतर्गत पांचवा आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना, यानी दुनिया की वस्तुओं के पीछे भागने वाली इंद्रियों को बाधित कर उन्हें अंतर यात्रा की तरफ मोड़ना ही प्रत्याहार है। ठीक है, यह हमने जाना अष्टांग योग के बहिरंग यानी स्थूल साधनों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बारे में। अब हम उसके अंतरंग साधन यानी धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अष्टांग योग का छठवां भाग है धारणा। यानी धारणा का मतलब होता है एकाग्रता, यानी किसी वस्तु विशेष पर ध्यान लगाना, यानी कि अपने इष्ट देव या स्वयं पर पवित्र मन से ध्यान लगाना। यानी धारणा की पद्धति से मन वस्तु विशेष पर एकाग्र हो जाता है, उसी को हम कहते हैं धारणा, यानी कि किसी वस्तु विशेष पर अपने मन को एकाग्र कर देना, टिका देना, यानी मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना, दृढ़ निश्चय से किसी वस्तु विशेष पर अपना ध्यान लगाना, मन लगाना ही एकाग्रता यानी धारणा कहलाता है। सातवां अंग है ध्यान यानी कि साधना। यानी जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तब वह ध्यान साधना कहलाता है। ठीक है, यानी कि उसको कुछ भी पता नहीं होता, समय और सीमा के बंधन से मुक्त हो जाता है और अपना ध्यान पूरी तरह से लगा लेता है। ठीक है, उसे साधना या ध्यान कहलाता है। सबसे अंतिम अवस्था आठवां अंग है आपका अष्टांग योग का समाधि, यानी इसका मतलब होता है आत्म अनुभूति। यानी इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाता है, यानी उसको कुछ भी पता नहीं रहता है, एकदम ध्यान मग्न हो गया। उसको आप जाकर के छुएंगे या बोलेंगे
या उसको मारेंगे तो भी वो उसको कुछ भी पता नहीं होगा, इतना वो खो जाता है, एकदम समाधि में चला जाता है। यानी सुख दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है समाधि के अंतर्गत। ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, यानी कि जो ध्यान है, हम ध्यान में खो जाते हैं, अध्यान में खोते खोते एकदम सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम समाधि में चले जाते हैं, वही ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है। तो दोस्तों हमने जाना कि अष्टांग योग क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से 8 अंग आते हैं, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इसके बारे में हमने विशेष चीज़ें जानी जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग विभिन्न प्रकार के होते हैं, इसमें से हमने आपको अष्टांग योग के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में योग के प्रकार के बारे में बताऊंगी, उसके बाद प्राणायाम के बारे में, फिर विभिन्न मुख्य मुख्य आसनों के बारे में, एंड कौन सा आसन किस रोग को दूर करता है और किसके लिए अच्छा है उसके बारे में बताऊंगी, जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वही चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद जितने भी MCQs हैं आपके योगा पर, वो सभी MCQs बताऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।